हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवम टेक्निकल चैनल पर। और आज हम इस वीडियो पर अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग का न्यूली लॉन्च फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस। अब देख सकते हैं यहाँ पर है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस का बॉक्स। तो चलिए जल्दी से बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं सैमसंग ने क्या एक्साइटिंग फीचर्स अपने फ्लैगशिप डिवाइस में इस बार लाया है। तो आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एक सैमसंग का S9 पर एक USB कनेक्टर, एक फास्ट चार्जर, एक USB-C टू USB केबल और यहाँ पर एक सैमसंग का प्रीमियम क्वालिटी एक 1G का हेडफोन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो आप देख सकते हैं फ़ोन के फ्रंट पर एक क्वाइट HD OLED पैनल दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन है 1440p x 2960p। एक OLED पैनल है जो कि काफ़ी शार्प और स्मूथ डिस्प्ले है। दोस्तों सैमसंग का ये डिस्प्ले इस वक्त वर्ल्ड का बेस्ट डिस्प्ले माना जाता है। क्वालिटी वाइज एक काफ़ी अच्छा है गूगल पिक्सल कंपेयर टू गूगल पिक्सल और एप्पल के आईफोन एक से भी एक बेहतर क्वालिटी डिस्प्ले है। फोन के ऊपर साइड पर यहाँ पर एक 8 MP कैमरा दिया गया है और यहाँ पर आई स्कैनर और इस साइड पर आपको एक USB-C पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर एक सेकेंड हैंड नॉइज कैंसिलेशन माइक और ये एक हेडफोन जैक और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पीकर भी है। की बैक साइड पूरा ग्लास से बना हुआ है और यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पर 12+12 MP डुअल कैमरा दिया गया है जिसका प्राइमरी कैमरा है 12 MP जिसका एपर्चर है f1.5 से लेकर f2.24 तक। दोस्तों दुनिया का एक पहला कैमरा है जो एक डिफरेंट एपर्चर पर फोटो क्लिक कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक 1.5 एपर्चर है और फोन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एपर्चर चेंज कर लेता है जो कि एक काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पर एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है वो बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स लेने के लिए। यहाँ पर बॉटम पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल चिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 चिप के साथ आता है और उसके साथ इस डिवाइस में आपको 6GB रैम और 64GB और 128GB वेरिएंट के साथ आएगा। ये डिवाइस इंडिया में करीबन 64,000 से लेकर 70,000 में लॉन्च होगा। इस साल अब बात कर लेते हैं कैमरा की। इस साल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सैमसंग ने ऐड किया है वो है AR emoji। AR emoji एक ऐसा फीचर है जो आपकी फेस को डिटेक्ट कर एक एनिमेशन फोटो बनाएगा और आप जैसे ये कुछ हद तक एप्पल की एनिमोजी जैसे है लेकिन मेरे हिसाब से ये एप्पल की एनिमोजी से काफ़ी बेहतर ट्राई देता है, काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है। अब बात करते हैं एक नई फीचर सैमसंग ने जो ऐड किया है वो है स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी। सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस 960fps पर स्लो मोशन वीडियो कैप्चर कर सकता है। मैं यहाँ पर एक स्लो मोशन वीडियो का एक सैम्पल दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये स्लो मोशन वीडियो। दोस्तों ये था मेरा अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। मेरे हिसाब से ये फ़ोन पिछले इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये फिजिकल बिल्ड वाइज इस साल फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छी जगह पर दिया गया है और कैमरा को भी इम्प्रूव किया गया है, इम्प्रूव एयर फीचर्स दिया गया है और यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस साउंड को काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है वो भी काफ़ी बेहतर किया गया है। तो अगर आप ऐसे यूज़र हैं आप अपग्रेड कर सकते हैं S9 प्लस तक। तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग और हैंडसम वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।